जय सिम्हा, कोको जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री नयनतारा 18 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाती है। 2003 में उन्होंने एक मलयालम फिल्म से एक्टिंग करके शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल और तेलुगु में कई फिल्में रोल किया। अपने आज तक के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी। यहाँ तक कि नयनतारा की गिनती हाईलेस्ट पेड एक्टर्स में है। नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरम है और नयनतारा का फिल्मी सफर तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन प्यार के मामले में वो चूक गई। एक समय ऐसा था जब नयनतारा और प्रभुदेवा के अफेयर की चर्चा खबरों की हेडलाइन बन गई थी, लेकिन बाद में दोनों की राहें जुदा हो गई। दरअसल नयनतारा ने जिस समय कोरियोग्राफर प्रभुदेवा को डेट करना शुरू कर दिया, उस वक्त वो शादीशुदा थे और 3 बेटा के पिता थे, लेकिन प्यार के आगे दोनों की नहीं चली और जल्दी दोनों ने एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गया। दोनों लिविन में रहने लगे शुरू हो गया। जैसे दोनों के प्यार की खबर प्रभुदेवा की पत्नी को चली, तो पत्नी ने लता से 2010 में फैमिली कोर्ट में पिटीशन लगाई और प्रभुदेवा नयनतारा के साथ लिविन में रह गए हैं। इतना ही नहीं, लता ने धमकी भी दे दी थी कि अगर उन्होंने नयनतारा से शादी की तो भूख हड़ताल पर बढ़ जाएंगी। PM News 24 की रिपोर्ट।